अब कुछ इस तरह के ड्रामे बनना शुरू हो गए हैं जो फार्मूला से हट के हैं, और इन ड्रामों में कुछ ऐसे इश्यूज को दिखाया जा रहा है कि जो रियल लाइफ में रोनुमा होने वाले हादसात और वाकयात की अक्कासी करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में पांच ऐसे ही दिल दहला देने वाले पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बात करते हैं। ड्रामा सीरियल बला एक माजूर और सेल्फिश लड़की की कहानी पर बनने वाला ये एक ऐसा ड्रामा है जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाला ड्रामा सीरियल बला की कहानी निगार नामी बद दिमाग लड़की के गिर्द घूमती है, जो जलन और हसद में कई लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देती है। ड्रामे की स्टोरी बिल्कुल रूटीन से हट के बनाई गई, जंजबील आसिम शाह की तहरीर करदा और बदर महमूद की डायरेक्शन में बनने वाला ड्रामा सीरियल बला में उष्णा शाह और बिलाल अब्बास खान ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों ने ही कमाल की अदाकारी की, जबकि बाकी लीड कास्ट में समीना अहमद, साजिद हसन, असद सदीकी और अजीका डैनियल शामिल थे। ड्रामा सीरियल बला ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल कुर्बान। नाजरीन, ये एक और ऐसा पाकिस्तानी ड्रामा है जो कि हकीकत के करीब तरीन बनाया गया। ड्रामे की कहानी एक ऐसे जोड़े के गिर्द घूमती है जो घर वालों से चोरी शादी कर लेती हैं, और फिर जब इस लड़की की शादी दूसरी जगह तय होती है तो डर और खौफ के मारे निकाह के ऊपर दूसरा निकाह करवा दिया जाता है, जबकि दूसरी तरफ लड़के की मौत ने देखने वालों पर एक सहर तारी कर दिया। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल कुर्बान में बिलाल अब्बास खान, इकरा अजीज और शहजाद शेख ने मरकजी किरदार निभाए। इस ड्रामे को जफर मेहराज ने लिखा और अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया, और ये ड्रामा ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है। ये ड्रामा एक हकीकी ज़िंदगी पर बनाया गया, जिसमें एक ऐसी औरत की ज़िंदगी को दिखाया गया जो बेटा पैदा ना करने की वजह से घर से निकाल दी जाती है, और फिर ये अकेली औरत अपनी बेटियों की न सिर्फ हिफाजत करती है बल्कि इनकी ऐसी तरबियत करती है कि वही बेटियाँ इनके लिए बाइस फ़ख्र बनती हैं। और ये ड्रामा अपनी बेहतरीन स्टोरी की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है कि कास्ट में साइमा नूर, साजिद हसन, सबूर अली, सबरीन हस्पानी, मरियम अंसारी, अख्तर हुसैन और फहद शेख शामिल थे। बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले बढ़ने वाला ड्रामा सीरियल मुबारक हो बेटी हुई है ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल माई रे। नाजरीन, 2023 में चलने वाला ड्रामा सीरियल माई रे एक मास्टरपीस पाकिस्तानी ड्रामा है जो कई अहम इश्यूज पर बनाया गया। ड्रामे की कहानी एक जॉइंट फैमिली के गिर्द घूमती है जो कि अपने छोटे बच्चों की आपस में शादी करवा देती हैं, जिससे ना सिर्फ इन बच्चों का बचपन छीन जाता है बल्कि कई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। ड्रामा सीरियल माई रे की मेन कास्ट में नौमान इजाज, मारिया वास्ती, आइना आसफ, अमर जाफरी, माया खान और शाहजमान अफरीदी शामिल हैं। अगर आपने ये ड्रामा अभी तक देखना शुरू नहीं किया तो जल्दी से शुरू करें, क्योंकि ऐसी स्टोरी कहीं और देखने को नहीं मिलती, और ये ड्रामा ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामा सीरियल चीख। नाजरीन, ये ड्रामा भी बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हुआ और ARY डिजिटल पर ऑन एयर हुआ। ड्रामे की कहानी जिंसी ज्यादती और कत्ल के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे में ऐसे बाअसर लोगों के चेहरों से निकाब उतारा गया जो शराफत के लिबास में औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं और फिर बड़ी खामोशी से उनका कत्ल कर देते हैं। ड्रामा सीरियल चीख में सबा कमर और बिलाल अब्बास खान ने मरकजी किरदार निभाए और इन दोनों ही की अदाकारी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, जबकि बाकी लीड कास्ट में इजाज असलम, इमाद इरफानी, अजीका डैनियल और कई बड़े अदाकार शामिल थे। तो नाजरीन, ये है वो पांच सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामे जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए, और इन ड्रामों में कई अहम इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया। तो आपने इन ड्रामों में से कौन कौन से ड्रामे देखे हैं, या फिर आपका कोई पसंदीदा ड्रामा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें।